हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एकदम डेंज है? बिल्कुल ऐसे ही चलनी है। तैयारी में आप बिल्कुल भी कमी मत छोड़ेगा, क्योंकि आपका जो टारगेट है, जो गोल है, वो आप डेफिनेटली अचीव करने के काफी क्लोज हैं। वन मंथ और आप बोलेंगे, एक मंथ की आप थोड़ी सी और अच्छे से मेहनत करने वाले हैं, एक डेढ़ मंथ की, और डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे कि सर आपके फिजिक्स के मार्क्स जो आपने टारगेट लिया हुआ वो कहीं नहीं गए। मेरे पास डाउट्स एंड कमेंट्स आजकल आप लोगों के काफी कम आ रहे हैं। तो मुझे डाउट हो रहा है कि आप लोग वाकई में उतनी ही मेहनत से लगे जितनी स्टार्टिंग में लगे हुए थे, कहीं आपका मोटिवेशन लेवल कम तो नहीं हो गया? तो डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट है या नहीं है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर आप कोई ना कोई कमेंट इस वीडियो में जरूर करेंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप उसके बारे में बता सकते हैं कि सर आप वीडियो देख रहे हैं रेगुलरली आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस डाउट को भी मेंशन कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आप इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नीट पीवीसी क्वेश्चंस रिलीजियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट अवर न्यू क्लास। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट पोर्शन ऑफ द एसएचएम। तो एसएचएम में अभी तक हमने जो किया कवर किया था कि सर व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ एसएचएम, एसएचएम होता क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एनर्जीज के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर एक से ज्यादा एसएचएम है तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे। मैंने कहा सर एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मोशन है, सिंपल हार्मोनिक हो रहा है, किसी डिस्टर्बेंस ने उसका मोशन स्टार्ट किया और वो उसी हिसाब से वो मोशन कर रहा है। बट एक ही पार्टिकल को दो अलग अलग डिस्टर्बेंस भी मोशन में करा सकते हैं। जब एक ही पार्टिकल को एक से ज्यादा डिस्टरबेंस मिलेंगे तो वो किसकी सुनेगा, आपकी सुनेगा या आपकी सुनेगा? ठीक है, वो दोनों की सुनेगा, बट वो इस तरीके से सुनेगा कि सर आपका भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और आपका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप बोलोगे तो जो फाइनल एसएचएम की जो इक्वेशन आएगी इन दोनों की कंबाइन होके वो हमें फाइंड आउट करनी है, उसको हम बोलते हैं एडिंग ऑफ टू एसएचएम। ठीक है, मैंने कहा मान लो कि सर एक एसएचएम की इक्वेशन है वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, मैंने एट द सेम टाइम दूसरे एसएचएम की इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए दो एसएचएम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, जब आप बोलते हो कि जब दो एसएचएम आ रहे हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी आपका जो रिजल्टेंट आता है वो भी आप बोलोगे कि सर एक एसएचएम आ रहा होगा, प्रॉपर एसएचएम आ रहा होगा, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हमारे लेवल पे आप बोलेंगे कि यही दो कंडीशन होनी चाहिए कि सर फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी की हम बातें करने वाले हैं। हाँ, इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है, वो आपको दिख रहा है, इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, सर वो भी आपको दिख रहा है। अब देखिए मैं जो मेथड यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ फिगर डायग्राम। जो फिगर डायग्राम आप यहाँ पे भी यूज करेंगे, आप वेव्स में भी यूज करेंगे, आप ऑल्टरनेटिंग करंट में भी यूज करेंगे। फिगर डायग्राम अगर आप सीख लेंगे तो आप बहुत जल्दी आप इसको कर पाएंगे। मैंने कहा फिगर डायग्राम क्या होता है जरा देख लो। मैंने कहा सर मैं एक्स वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पर रेफरेंस ले लेता हूं। मैंने कहा सर ये देखिए साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूं साइन ओमेगा टी, तो इस डायरेक्शन में ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। सर इस डायरेक्शन में हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और यहां हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। सर इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है, जब आप एंगल मेजर कर रहे होगे तो आप बोलोगे थीटा को पॉजिटिव लेना है, और अगर आप इस ऐसे जा रहे एंटी क्लॉकवाइज आ रहे होगे तो आप बोलोगे एंगल पॉजिटिव लोगे, और अगर क्लॉकवाइज अगर आप मेजर कर रहे होगे तो आप बोलोगे नेगेटिव लोगे। तो आप क्या होगा, मैंने कहा सर इन वाई वन और वाई टू को आपको इस पे रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे रिप्रेजेंट करना है? मैंने कहा देखो वाई वन जो है, वाई वन का जो एम्पलीट्यूड है ठीक है, उसको आपको मैग्नीट्यूड बना के एक वेक्टर ड्रॉ करना है, फेजर ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं कहा जरा देखो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ए के बराबर, और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन होनी चाहिए, साइन ओमेगा टी की डायरेक्शन होनी चाहिए। किस डायरेक्शन होनी चाहिए? साइन ओमेगा टी की डायरेक्शन में होने चाहिए। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? मैंने कहा सर देखिए ए के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा और ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन। तो आप बोलेंगे सर ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए के बराबर है, और डायरेक्शन कौन सी है, साइन ओमेगा टी के बराबर है। मैंने कहा वाई टू की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, एम्पलीट्यूड के बराबर, मतलब बी के बराबर लेंगे, इसकी डायरेक्शन के साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ओमेगा टी से कुछ प्लस फाइव एंगल पर होगा। तो आप बोलोगे सर कुछ ऐसा लिखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी, और आप बोलते हैं कितने एंगल पर होगा, साइन ओमेगा टी से, आप बोलोगे सर फाइव एंगल पर होगा। ठीक है, अच्छा मैंने कहा सर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है, सर दिस फेज माइनस दिस फेज, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे।
तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो फेज डिफरेंस आ रहा है डेल्टा फाई जो दोनों के बीच में आ रहा है, यहाँ पे वैल्यूज की फाई आ रही है, ठीक है। बट हमें मालूम है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, जरूरी नहीं है कि फाई है, यहाँ पे फाइव वन फाइव टू हो सकता है, तो फाइव टू माइनस फाइव वन भी आ सकता है। तो फेज डिफरेंस होता है ये इसके फेज माइनस इसका फेज, ठीक है। आप जरा देखिए, मैंने कहा सर अब ये दो फेजर हो गए, आप वेक्टर की तरह थोड़ा इनको ट्रीट कीजिए, इनका मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैंने कहा इनका रिजल्टेंट लेना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है सर, आपको y निकालना है जो कि इन दोनों का सम होगा, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ऐसे होगा। आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ट्रीट करके रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे। आपको पता है सर कैसे सॉल्व करते हैं रिजल्टेंट, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर आपके a और b दो वेक्टर्स होते तो आप बोलते आपका जो रिजल्टेंट होता वो इस डायरेक्शन में आता सर, रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आता, बहुत अच्छी बात है। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी हमको मालूम है सर, इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आता है सर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस डेल्टा फाई, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस डेल्टा फाई, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैं कह सर ये देखिए ए वेक्टर से, अगर ए वेक्टर से इसका एंगल निकालते हैं तो बोलते मान लो ये एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो सर ये थीटा भी हम निकाल सकते हैं सर, हमको निकालना आता है सर टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू बी साइन डेल्टा फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये थीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू टेन रोर्स ऑफ दिस आ जाएगा। मैंने कहा वाई को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मैंने कहा देखो वाई क्या है सर, ये वाला देखो, जब आपने y1 ड्रॉ किया तो ये देखो ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। जब आपने y2 ड्रॉ किया तो ये क्या, ये उसका एम्पलीट्यूड था और डायरेक्शन क्या थी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। मैंने कहा अब y जो आएगा वो इनका रिजल्टेंट है, तो y आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, ये उसका एम्पलीट्यूड है दिस r, और वो r की वैल्यू कितनी है सर, ये उसका एम्पलीट्यूड है। डायरेक्शन क्या है सर, ये साइन ओमेगा टी से कितने एंगल पर है, प्लस थीटा। तो आप लिखोगे इसको सर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया दोनों SHM को ऐड करने के बाद, जो आपका रिजल्टेंट आया वो ये आया। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात है। मुझे जब भी दो आपको बोलोगे SHM को ऐड करना है तो क्या करोगे, आप डायरेक्शन पहले डिसाइड करोगे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला है। मैंने कहा पहला ड्रॉ करने का मतलब उसके एम्पलीट्यूड को मैग्नीट्यूड मानोगे और ये उसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो आप बोलोगे ए वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर की तरह ड्रॉ किया सर आपने साइन ओमेगा टी की डायरेक्शन में, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड कितना लोगे बी, और कितना सर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से प्लस फाइव, ठीक है। साइन ओमेगा टी, अगर ये कॉस ओमेगा टी होता तो कॉस ओमेगा टी से एंगल देखते कि प्लस फाइव है माइनस फाइव है, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी से प्लस फाइव मैंने ये ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने इनको वेक्टर की तरह रिजल्टेंट लेंगे, तो ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस डेल्टा फाइव का अंडर रूट। डेल्टा फाइव है ना, ये यहाँ पे फाइव की वैल्यू देखो डेल्टा फाइव के बराबर है, आप तो यहाँ पे डेल्टा फाइव ही रखेंगे। मैंने कहा ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, और आपको ये एंगल भी निकालना आता है, ठीक है। ये एंगल हम इस तरीके से निकाल पाएंगे, तो आप बोलोगे जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वाई उसको कैसे लिखोगे, दिस आर इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन क्या बोलोगे साइन ओमेगा टी से प्लस थी थीटा, ठीक है। तो वो एंगल आपको जिससे भी समझ आ रहा है उससे लिख पाएंगे एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी तरीके से आप किसी भी दो SHM को आप बहुत सिंपली एड कर सकते हैं। डायरेक्शन का ध्यान रखना, अगर ये साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी से एंगल निकालना, कॉस ओमेगा टी दिया होता है तो कॉस ओमेगा टी से एंगल निकालते हैं। तो बस इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और दिस इज हाउ यू कैन ऐड टू SHMs। मेरे बहुत अच्छी बात है। मैंने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैंने कहा SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने कहा सपोज दैट एक पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल ये, ठीक है, आप क्या बोलो कि मान लो ये अभी कहां पर रखा हुआ है, टी इक्वल टू जीरो पे ऐसे रखा हुआ। अभी ये पार्टिकल अगर SHM कर वो सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। आप बोलते हो कि कितनी ओमेगा से घूम रहा है, मान लो कितने से घूम रहा है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो जरा बताइए क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक SHM मोशन है। तो आप बोलोगे सर ये तो सर्कुलर मोशन है, SHM के लिए आपको टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM नहीं है। कई लोग तो यही सोचते हैं कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM करता है, नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM नहीं करता। मतलब अ पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अंडरगोइंग SHM। मैंने कहा फिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर इसमें आप रिलेशन कैसे निकालना चाहते हैं। मैंने कहा देखो कैसे निकालते हैं, मैंने कहा मान लो सर कुछ टाइम बाद ही पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो आप बोलोगे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही होगा,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा सर टी इक्वल टू टी पे आप पहुंचा है, तो आप क्या बोलोगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा ओमेगा टी हो जाएगा ये एंगल। मैंने इस टी टाइम पे जरा देखो इसका ये जो आर रेडियस है, ये रेडियस किसका इसका कितना है आर है, मैंने कहा चलो इसको लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा ये जो आर रेडियस है ठीक है, अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट निकालू एक्स डायरेक्शन में तो ये एक्स डायरेक्शन में आएगा ठीक है, इसका ये एक्स कॉम्पोनेंट आएगा एंड ऐसे ही ये वाई डायरेक्शन में इसका वाई कॉम्पोनेंट आएगा। मैं कहता हूं एक्स कॉम्पोनेंट निकाल के देखो क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर जो एक्स कॉम्पोनेंट आ रहा है वो आ रहा है आर, अगर इसका रेडियस कितना है आर है, कॉस इंटू दिस एंगल, ये एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट वाई डायरेक्शन में लूंगा तो वाई कॉम्पोनेंट कितना आएगा सर, आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस वाई। कहने का मतलब क्या है कि सर अगर ये जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका कॉम्पोनेंट अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लू तो जो उसका कॉम्पोनेंट कुछ ऐसा आ रहा है जो साइनोसॉइडल इक्वेशन बना रहा है, चाहे वाई डायरेक्शन में लो वो भी कुछ एक साइनोसॉइडल इक्वेशन दे रहा है। तो एक्चुअली व्हाट विल हैपन, ये जो रेडियस वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन अगर हम एक्स डायरेक्शन में लें या वाई डायरेक्शन में लें वो एक ऐसे से मोशन हो सकता है। मैंने कहा देखो कैसे, आप बोल सकते हो ये पार्टिकल की शेडो जो है एक्स पे पड़ रही है वो एक एसएचएम करेगी। मैंने कहा देखो ये पार्टिकल जब यहां होगा तो इसकी शेडो भी यही होगी, जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर की तरफ बढ़ेगा इसकी शेडो एक्स एक्सिस पे पीछे की तरफ आएगी, जब ये पार्टिकल वाई एक्सिस पे यहां पहुंचेगा तब आप बोलोगे शेडो एक्जैक्टली सेंटर पर होगी, ये पार्टिकल जब इधर की तरफ पड़ेगा तो इसकी शेडो इस एक्सिस पे ऐसे बढ़ते 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 यहां पहुंचेगी, जब पार्टिकल यहां आ जाएगा। अब जब पार्टिकल यहां आ जाएगा फिर आप बोलोगे सर जैसे ही पार्टिकल नीचे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो आप बोलोगे सर ये शेडो वापस से पीछे जाएगी, पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो शेडो यहां वापस पहुंच जाएगी, सर ये पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा तो शेडो उधर जाएगी और ये पार्टिकल जब यहां आएगा तो आगे, तो जो शेडो है वो इस एक्सिस पे इस सेंटर के अबाउट मीन पोजिशन के अबाउट क्या कर रही है सर, ये एसएचएम कर रही होगी। सिमिलरली ये वाई एक्सिस पे भी इसकी जो शेडो है वो क्या कर रही होगी एसएचएम कर रही होगी। तो आप क्या बोलोगे द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, ये जो रेडियस वेक्टर का प्रोजेक्शन है ऑन दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अंडरगोस एसएचएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रेडियस वेक्टर का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो एक एसएचएम है, वो एक टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है सेंटर के अबाउट ठीक है। तो आप बोल सकते हैं उस मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं ठीक है। तो ये उसके बीच का आप रिलेशन था, ये आपको रिलेशन दिखाना था। आप देखो यहाँ पे देखिए ओमेगा ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्मेट में आ गया, ओमेगा यहाँ की क्या है एंगुलर वेलोसिटी है ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड वेदर अ मोशन इज एसोचम और नॉट। मैं कह रहा देखते हैं कैसे, मैं कहता हूं कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे हमेशा। तो सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड प्लेस द बॉडी एट दैट पोजीशन राइट। मैंने कहा सर सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने कहा मान लो ये इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पे उस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा हो एंड नेट टॉर्क जीरो हो। अगर आप बोलते हो कि ये एंगुलर एसएचएम है तो आप बोलोगे नेट टॉर्क भी जीरो हो सकता है। अब आप क्या करोगे डिस्प्लेस द बॉडी बाय ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, आप क्या करोगे इस बॉडी को थोड़े से डिस्प्लेसमेंट से बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट से आप उसको डिस्प्लेस करोगे। अगर आप एंगुलर एसएचएम की बात करो तो आप थोड़े से एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हो, बहुत छोटा सा एंगल है जिसको हमने बोला थीटा ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन और अल्फा। अब आपको क्या करना है सर, आपको फाइंड आउट करना है कि सर इसका एक्सेलरेशन कितना है। इस केस में आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे ठीक है, और इस केस में आप क्या फाइंड आउट करोगे अल्फा फाइंड आउट करोगे ठीक है। अब इससे के बाद इस इक्वेशन से कंपेयर कर देना है कि सर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये इक्वेशन के फॉर्मेट में आपका एंगल एंगुलर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन आ गया तो आप समझ जाइए कि ये एसएचएम कर रहा है, और अगर इस फॉर्मेट में नहीं आया तो आप समझ जाइए कि सर आपका जो मोशन है वो एसएचएम नहीं है। मैं अगर इसी एग्जांपल में मैं फाइंड आउट करके देख लेता हूं कि ये सर ये एंगुलर राइट, आप बोलोगे सिंपल पेंडुलम है वो एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जरा मैंने कहा चलो इसकी बात कर लेते हैं, अगर कर रहा है तो मैं कैसे टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई एसएचएम की। मैंने कहा मान लो इसकी लेंथ कितनी है एल है, इसकी लेंथ एल है, इसका मास जो है बॉब का मास है वो एम है। मैंने एक एंगल थीटा स्मॉल, बहुत बड़ा एंगल नहीं है, छोटे से एंगल थीटा से मैंने इसको क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया। अब ये पार्टिकल कहां पहुंच गया यहां। अब आप बोलोगे सर यहां पे टॉर्क निकाल लो, नेट टॉर्क कितना आ रहा है। मैंने कहा देखो फोर्सेस कितने लग रहे हैं, मैंने एक फोर्स तो लग रहा होगा इधर, टेंशन लग रहा होगा ठीक है,
और एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा सर टॉर्क देखिए किसके अबाउट एंगुलर SHM या आप बोलो किसके से एंगुलर मोशन हो रहा है, बोलो इस पॉइंट के अबाउट। तो आप बोलोगे इस पॉइंट के अबाउट, मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ, मैंने इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल लो। तो मैंने कहा सर टॉर्क अबाउट ओ अगर हम निकालेंगे, इधर देखो टॉर्क अबाउट ओ, आप देखिए दो ही फोर्स लग रहे हैं। टेंशन अगर हम देखें आगे बढ़ाएंगे तो टेंशन की जो लाइन है वो इसी ओ से पॉइंट से पास हो रही होगी, तो टेंशन का जो टॉर्क है वो कितना जाएगा, जीरो। सो व्हेनेवर अ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो टॉर्क कितना जाने वाला है, जीरो। मैंने कहा एमजी की बात कर लो, मैंने कहा देखो एमजी का टॉर्क निकालने का तरीका क्या होगा, एमजी के फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर लो, ठीक है, और आप बोलो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सर ये ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो आप बोलोगे सर एफ इंटू आर या आर इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ठीक है। अच्छा मैंने कहा सर मैं जब आपको डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करा रहा हूं तो जरा देखो टॉर्क जो आएगा, देखिए इस पॉइंट के हिसाब से mg इसको इधर वापस खींच रहा है, इस पॉइंट पर अगर आप खड़े हो जाओ तो जरा देखो mg इज ट्राइंग टू पुलिंग इट डाउन, पुलिंग इट डाउन मतलब इसके हिसाब से ये इसको इस डायरेक्शन में लेके आ रहा है। तो मुझे मालूम है जो टॉर्क है वो क्या है सर, वो आपके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, तो ये तो मुझे मालूम है, माइनस साइन हम बात कर सकते हैं बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर देखो कितना आ रहा है आर परपेंडिकुलर, ये अगर एल है तो ये भी एल होगा, ये लेंथ है। मैंने कहा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो आप क्या बोलोगे सर ये हो गया एल कॉस थीटा, ये हो गया एल साइन थीटा। तो यहां पे आप लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर है एल साइन थीटा और एफ की वैल्यू है एमजी। टॉर्क को आप लिख सकते हो आई इंटू अल्फा, इस पॉइंट के इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको आई निकालना है, देखो इस एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा है, ये क्या एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूमने वाली है, राइट। तो आप बोलोगे मोशन होगा तो इस पॉइंट के अबाउट एक पॉइंट मास का है, अगर हम बात करें पॉइंट मास का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर एम इंटू आर। आप देखिए यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है ये जिसके अबाउट ये आर रेडियस का सर्कुलर ये बनाएगा, तो ये कितना है एल के बराबर है, तो आप लिखोगे एम इंटू एल स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एल साइन थीटा इंटू एम जी। सर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की जो वैल्यू आ रही है अगर मैं प्रॉपर साइन भी कर दूं, मैंने कहा सर थीटा अगर पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे अल्फा कैसा है ऑपोजिट टू द एंगल है, तो आप इसको ऐसे माइनस साइन भी लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू जो आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली जी बाय एल साइन थीटा। अब आप इससे कंपेयर कर लो कि अल्फा की वैल्यू क्या इस फॉर्मेट में आ रही है, क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ रही है। मैं कहता हूं जी बाय एल कॉन्स्टेंट है, हाँ सर कॉन्स्टेंट है। सर यहां साइन थीटा के प्रोपोर्शन आ रही है, थीटा के प्रोपोर्शन नहीं आ रही, इसका मतलब ये सिंपल पेंडुलम एसएचएम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिंपल पेंडुलम एसएचएम नहीं कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैंने कहा लेकिन अगर मैं थीटा को बहुत स्मॉल बोल दूं, थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो आप कहते हो सर मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, सर साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो जैसे आप इसको बोलोगे थीटा तो आप बोलोगे माइनस जी बाय एल इंटू थीटा। अब आप कंपेयर करोगे, जब आप कंपेयर करोगे तो इस फॉर्मेट में आ गया जी बाय एल की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। सर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए कंपेयर करने पे किसके बराबर आ रही है, सर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है जी बाय एल के बराबर। तो आप बोलोगे टाइम पीरियड निकालने जाओगे तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो आएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आप ले सकते हो टू पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या आया सर, दैट इज टू पाई एल बाई जी अंडर रूट में, बट दिस इज ओनली वैलिड व्हेन द थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। ये आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे बताया जाता है, जब भी आप सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मुला आप यूज करने वाले हो, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब केवल ये क्या है, ग्रेविटी के अंडर हुआ था। अब आप क्या करते हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चन बने हैं और बनते रहते हैं, सिंपल एसएचएम को यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन बनते रहते हैं, लिफ्ट में रख देते हैं तो एक नया क्वेश्चन बन जाता है, लिक्विड में रख देते हैं तो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखेंगे कि सर यहां पे आप कह सकते हो कि नेट जी इफेक्टिव निकाल दिया, ठीक है, अगर केवल जी है तो जी इफेक्टिव जी हो गया, अगर जी के अलावा और भी कोई एक्सेलरेशन वहां लग रहा है, ठीक है। मैंने कहा लिफ्ट के केस में जो जी इफेक्टिव है वो चेंज हो जाता है ना, जी अपरेंट आ जाता है, जी प्लस से हो जाता है, जी माइनस से हो जाता है, तो यहां पे वैल्यू जी प्लस से जी माइनस से रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप बोलते हो कि जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आता है आपको वो रखना है। हाँ लिक्विड के केस में मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लो कि आपने लिक्विड में इस अरेंजमेंट को डिप किया हुआ है,
अगर एक लिक्विड में आपने इस अरेंजमेंट को डिप किया है तो उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, एल अपॉन जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस अरेंजमेंट को एक लिक्विड में डिप किया है तो आप बोलोगे जो फॉर्मूला है वो 2π√L/g तो होगा, साथ में ये जी के साथ में ये मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, वहां जी इफेक्टिव क्या है, सर ग्रेविटी और फोर्स ऑफ बायंसी का जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो यहां रखना था। तो उसको सॉल्व करने के बाद कुछ ये फॉर्मेट में आपके आंसर आते हैं, इनको आप डायरेक्टली अपने नोट डाउन कर सकते हैं और इनको याद करेंगे तो हम कहेंगे हमारे क्वेश्चंस मैक्सिमम बन जाएंगे। ऑल्दो अभी इस लेवल पे क्वेश्चन जनरली पूछते नहीं है, बट फिर भी ठीक है, हमें थोड़ा सा एक लेवल आगे प्रिपेयर होने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा ये तो थी सिंपल पैंडम, मैंने कहा इसकी कुछ एप्लीकेशन और देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ SHM, मैंने कहा स्प्रिंग मास सिस्टम। अगर इस तरीके से सर एक मास है जो एक किसी स्प्रिंग से अटैच है और एक फ्रिक्शनलेस सर्फेस पर रखा जाए, राइट, तो आप बोलते हो अगर आप इसको डिस्प्लेस कराओगे x से तो एक ऑपोजिट स्प्रिंग फोर्स रहेगा और उस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ kx होती है। मैंने कहा चाहे ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हो या वर्टिकल मोशन हो रहा हो, आप बोलोगे सर स्प्रिंग फोर्स इसी तरीके से काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस kx होगा, अगर एक्सेलरेशन वैल्यू निकालोगे तो माइनस k बाय mx होगा। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे अगर कंपेयर करोगे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x है तो आप बोलोगे k बाय m की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगी और t की वैल्यू आएगी 2π√m/k। मैं कहा ये हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी दिस 2π√m/k ओनली फॉर दीज टू कंफिगरेशन। ठीक है, तो ये भी आपको आदत याद रखना है कि हाँ किस तरीके से हम स्प्रिंग मास सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका SHM की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसके कैसे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारी एप्लीकेशन बन सकती है कि सर हम स्प्रिंग के कई सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कभी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग हो सकता है, कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग्स का, राइट, तो वो आपको उस हिसाब से वहां पे के इफेक्टिव वहां चेंज हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा मासेस जुड़े हैं तो मास इफेक्टिव चेंज हो जाएगा। और इसमें कुछ हायर एप्लीकेशन भी बनते हैं, बट मैं कहूंगा कि सर जो आपके लेवल पे अभी तक पूछे रहे हैं, पूछे जाने के चांसेस हैं, वो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स के ही हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होंगे। मैं कहता हूं फिजिकल पैंडलम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फिजिकल पैंडलम? ठीक है, मैं कहता देखिए नॉर्मल पैंडलम क्या होता है कि सर एक स्ट्रिंग होती है, मास्टर स्ट्रिंग होती है और एक एंड में एक छोटा सा मास का बॉब होता है, वो कनेक्ट होता है, वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है, मतलब एक पॉइंट मास होता है जो कि आप बोल सकते हो कि SHM से कर रहा है इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। बट उस मासलेस स्ट्रिंग की जगह अब मैं एक पॉइंट मास से एक पूरी बॉडी ही वहां पे हैंग कर दूं, लाइक दिस मार्कर, दिस मार्कर इज अ कंप्लीट बॉडी एंड द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड इफ इट इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप बोलोगे ये भी एक क्या कहे सिंपल पैंडलम की तरह एक्ट कर रहा है, बट अब दिस इज नॉट अ पॉइंट मास, दिस इज अ होल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी, तो आप क्या बोलोगे सर ऐसे पैंडलम को हम फिजिकल पैंडलम बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर फिजिकल पैंडलम की बात करें तो हम वैसे ही डिस्प्लेसमेंट वगैरह का जो हमने किया था पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, उससे कुछ एंगल थीटा पे डिस्प्लेस करेंगे, नेट टॉर्क निकालेंगे, नेट टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां से अल्फा निकालेंगे, तो जो आता है वो आता है फॉर स्मॉल एंगल थीटा। अगर एंगल की वैल्यू बहुत छोटी है तो जो आ रहा है आपका, देखिए जो आता है ये अल्फा जो आ रहा है ये तो आ गया टॉर्क। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू आई आई अल्फा इक्वल टू माइनस एमजीडी थीटा। ठीक है, कितना आया माइनस एमजीडी थीटा, यहां से अल्फा निकालोगे तो हो जाए एमजीडी बाय आई, और आप ओमेगा स्क्वायर से अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी एमजीडी बाय आई एंड टी इक्वल टू 2π√i/mgd। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है फिजिकल पैंडलम के टाइम पीरियड का, बट ये फॉर्मूला तो हमको पता है, इसमें ये टर्म्स जो यूज हो रही है वो बहुत अच्छे से हमको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 2π तो कॉन्स्टेंट है, √i, आई क्या है सर, आई इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसके अबाउट ये मोशन हो रहा है। देखो अभी इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा है, ये मोशन ऐसे हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी के इस पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो आई विल बी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। अगर बॉडी को यहां से फिक्स कर दिया गया होता और बॉडी ऐसे घूम रही होती, राइट, ऊपर ये पोर्शन हिंज पॉइंट से ऊपर होता और ये ऐसे घूम रही होती, तो आपको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। कुल मिला के आप बोलोगे आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस पॉइंट जिसके अबाउट उसको फिक्स किया गया है, जिसके अबाउट मोशन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, व्हाट इज डी? डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द हिंज पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी इज द डिस्टेंस ऑफ द हिंज पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी।
ठीक है। तो ये दो चीजें आपको बहुत से याद रखना। अब ये आप बोलोगे सर ये जो फिजिकल पेंडुलम है ये एक रॉड हो सकता था, एक रॉड मैंने इस तरीके से हैंग कर दिया उसको, अगर हम ऐसे सिस्टम करा रहे हैं तो उस रॉड के लिए आप आई निकालोगे इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा, तो ये डी भी निकाल पाओगे और आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ये डिस्क हो सकती थी, ये रिंग हो सकती थी, ये सिलेंडर हो सकती थी, कई सारे ऐसे ऑप्शन हो सकते थे और आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ऐसी हैं, जनरली रॉड वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो रॉड की जगह हम उसको बस रॉड की आई रखेंगे, रॉड का डी रखेंगे और हम वी कैन फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ दैट एसएचएम, ठीक है। तो ये बात थी फिजिकल पेंडुलम की। अब मैंने कहा थोड़ी सी हम बात करते हैं डैम्ड ऑसिलेशन, ऑल्दो इससे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ नहीं जाते हैं बट फिर भी हम थोड़ी सी आइडिया जरूर लेते हैं व्हाट आर डैम्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, मैंने कहा अभी तक हम जितने भी ऑसिलेशंस हम मानते हैं, हमने कहा सर ये आइडियल कंडीशंस हम मानते हैं, किसमें मानते हैं कि सर ये वैक्यूम में हो रहे हैं, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बोला था सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। तो आप बोलोगे कि एक बार अगर आपने एसएचएम स्टार्ट कर दिया तो सर दैट विल कंटिन्यू टिल द इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी हो नहीं रही, आपने एक बार जो एनर्जी दे दी वो काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड बैक टू द काइनेटिक एनर्जी, और यही मोशन होता रहा है क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी टू द फ्रिक्शन एंड अदर फोर्सेस। तो आप बोलोगे एसएचएम चलता रहेगा, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी यू नो दैट कि सर सिंपल पेंडुलम जैसे आप स्टार्ट मूव करोगे, कोई भी आप एसएचएम कराओगे तो आप बोलोगे एयर फ्रिक्शन या ग्राउंड से फ्रिक्शन, कोई ना कोई फ्रिक्शन वगैरह की वजह से एनर्जी डिसिपेट होती जाएगी और वो स्लो डाउन होता जाएगा और उसका एम्पलीट्यूड कैसा होता जाएगा, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, राइट। अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, अगर इनका एसएचएम का इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो देखो ये ऐसा होगा कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसके एसएचएम क्या टाइम के साथ देखूं तो देखिए एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, राइट। तो आप लोग अब एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। तो डैम्ड ऑसिलेशन में देखिए एक फोर्स हो रहा होगा माइनस के एक्स जो कि इसको ऑसिलेशन करा रहा होगा, साथ ही साथ एक और फोर्स उस पर लग रहा होगा जो उसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा एंड ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी होगा। जैसे जैसे आप जाओगे आगे की तरफ तो आप बोलोगे फोर्स आपको बैक पीछे लग रहा होगा, अगर आप इधर आ रहे हो तो फोर्स आपको ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा होगा। तो सर ये जो फोर्स होता है रेजिस्टिव फोर्सेस, ये वेलोसिटी के ऑपोजिट एंड प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है उतना ज्यादा फ्रिक्शन आप फील कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, तो आप बोलोगे यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा और आप बोलोगे ये इक्वेशन बनेगी जो कि जनरल इक्वेशन भी आप बोल सकते हो, किसकी होती है सर डैम्ड ऑसिलेशन की होती है। इनके जब आप सॉल्यूशन करते हो तो सॉल्यूशन देखिए कैसे आते हैं, ए इंटू ई की पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी इंटू साइन ओमेगा एस टी प्लस फाइव, इस फॉर्मेट में आ रहे होते हैं। एसएचएम के आपको पता है किस फॉर्मेट में आ रहे होते हैं, डैम्ड ऑसिलेशन के इस फॉर्मेट में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, इस साइन का ये जितना भी पोर्शन है ये दिस शुड बी द एम्पलीट्यूड, नाउ दिस एम्पलीट्यूड इज नॉट कॉन्स्टेंट, इज डिपेंडिंग ऑन द टी एंड इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली ई की पावर माइनस बी बाई टू एम इन टू टी। तो आप देखेंगे ये कैसा हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, राइट। आप बोले एम्पलीट्यूड की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली, मैंने कहा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है ओमेगा डैश ऑन दैट कैन बी फाइंड एज अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय फोर एम स्क्वायर। अब जरा देखिए अगर मैं ये वाले टर्म को जीरो कर दूं, मतलब मैं रेजिस्टिव फोर्स को हटा दूं, मतलब बी की वैल्यू जीरो रख दूंगा, बी की वैल्यू जैसे जीरो रखूंगा तो देखिए आपका नॉर्मल एसएचएम बन गया, जैसे मैं बी की वैल्यू रखूंगा तो देखो नॉर्मल एसएचएम की इक्वेशन बन गई, जैसे मैं बी की वैल्यू को जीरो रखूंगा तो ये टर्म भी हट जाएगा और ये टर्म भी हट जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी केवल क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम हो जाएगा, राइट। तो दिस बी इज प्लेइंग द मेजर रोल, मतलब आप बोले दिस फोर्स इज प्लेइंग द मेजर रोल इन डैम्ड ऑसिलेशन व्हिच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड एंड लॉस ऑफ एनर्जी विद टाइम ऑफ एनी एसएचएम। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्ड ऑसिलेशन, और अगर हम चाहते हैं हमारे डैम्ड ऑसिलेशन काफी लंबे टाइम तक लगाते हैं तो हम उनको एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगा के चलते हैं टू नलीफाई दिस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स, एंड ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन। ये सब थोड़ी आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज, जनरली इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जो भी आपने बोला क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएचएम में वो यहां तक पूछे जाते हैं, और अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, मैं कह रहा हूं आप कैसे जब कभी नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये थी बातें एसएचएम की, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं कहता हूं कोई नहीं भी डाउट है तो आप आज इस वीडियो में जरूर आप बोलें कि सर अगर आप इस कोर्स को रिलीजियस फॉलो कर रहे हैं तो डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन की यस सर, सर मेरे को अच्छा लग रहा है, सर मेरे से प्रॉब्लम सब बन रही हैं, जो भी आप बोलना चाहें, जो भी आप बताना चाहें आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सो
आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।